नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। बरमबाला सिख छावनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सुखदेव सिंह संतू के तत्वाधान में सिख भाइयों ने मिलाद उन नवी मुबारक के उपलक्ष में मुस्लिम भाइयों का किया सम्मान। देखिए हमारे रिपोर्टर सरदार सतनाम सिंह कापसे की ये रिपोर्ट। उनका शुक्रगुजार करती है जो कि एक बहुत ही प्यारे जुलूस की तरह से निकालते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो कि खूब आवाज में अपने अल्लाह ताला को याद रखे हुए और बहुत ही अच्छी खूबसूरत से निकालते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और यहाँ पे गुरुद्वारे साहब प्रबंधक की तरफ से मुझे स्टेज लगाया गया है जो कि उनकी वेलकम के लिए, और भाई मेरे यहाँ पे आए हुए हैं सारे लोग, उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी की जानिब से मैं आज मिलाद उन नबी के मौके पर हमारे सिख भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर इस्तेमालिया कमेटी लगाई और यहाँ पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। टाइलोशी का इंतज़ाम किया गया है, पानी का इंतज़ाम किया गया है कि हमें देखकर बेहद खुशी होती है क्योंकि हमें राजेंद्र नगर के अंदर एक ऐसा माहौल मालूम होता है जब सिख भाइयों का जब जुलूस जाता है तो मुसलमान भाई वेलकम करते हैं, जब मुसलमान भाइयों का जब जुलूस जाता है तो सिख भाई वेलकम करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर राजेंद्र नगर के अंदर एक गंगा जमुना तहसील मालूम होती है। और मैं तमाम गुरुद्वारे के जुम्मे जो भी जिम्मेदारान हैं संतू भाई का और तमाम सिख भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर साल की तरह इस साल भी हमें इस्तेमाल किया है। और ख़ास करके पुलिस महकमे का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ACP साहब जो राजेंद्र नगर के ACP साहब हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किए थे। और साथ ही साथ हमारे कनकिया साहब सर्कल साहब का और हमारे वेंकटेश साहब जो अतापुर के SHO है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम महकमे पुलिस का भी मैं तमाम लोगों का।